हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रवीण जांगिर। और जैसा कि आपको पता है, हमने इससे जस्ट पिछले वाले वीडियो में एडजेक्टिव्स के थ्री टाइप्स को देख लिया था। और उन थ्री टाइप्स में बेटा कौन कौन से थे? फर्स्ट था क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, सेकंड क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, और थर्ड जो एडजेक्टिव था बेटा वो है न्यूमरल एडजेक्टिव। तो इन्हीं तीन एडजेक्टिव्स के बारे में हम पूरी डिटेल से पिछले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। यदि बेटा आपने वो पिछले वाला वीडियो नहीं देखा है तो बेटा मैं आई बटन पर उसे डाल दूंगा। आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए बेटा, हम एडजेक्टिव का जो फोर्थ टाइप है प्रॉपर एडजेक्टिव, उससे हम शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और इस वीडियो में बेटा फोर्थ से लेकर नाइन्थ तक जितने भी टाइप्स हैं एडजेक्टिव के, वो पूरा करेंगे अपन। तो चलिए बेटा, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा है, एडजेक्टिव का फोर्थ टाइप, और वो है बेटा प्रॉपर एडजेक्टिव। तो ऐसे एडजेक्टिव जो कि प्रॉपर नाउन से बनाए जाते हैं, उनको हम बेटा क्या बोलते हैं? प्रॉपर एडजेक्टिव्स। अब ये प्रॉपर नाउन क्या होते हैं बेटा? किसी भी व्यक्ति, वस्तु और स्थान का जो विशेष नाम होता है ना, जो दुनिया में एक ही होते हैं, उनके नाम को बेटा हम क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन। यदि आपने प्रॉपर नाउन के बारे में विस्तार से नहीं पढ़ा है तो बेटा उस वीडियो को भी मैं इस आई बटन पर डाल दूंगा, आप वहां पर जाकर आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए बेटा, हम बात करते हैं पहले प्रॉपर नाउन की। तो ये जो यहां पर आपको अपनी स्क्रीन के दाईं तरफ जितने भी ये जो लिस्ट दिख रही है ना, उसमें ये प्रॉपर नाउन है। जैसे ब्रिटेन, हॉलैंड, जर्मनी, चाइना, स्विट्जरलैंड, इंडिया, ग्रीस, इटली, नेपाल, इजराइल, तो ये सभी क्या है बेटा? प्रॉपर नाउन है। अब देखो, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि ये प्रॉपर नाउन क्यों है। क्योंकि बेटा देखो, दुनिया में जो ब्रिटेन नाम का देश है वो एक ही है, तो ये सभी जो है ना देशों के स्पेशल नेम हैं। अब इनसे हम प्रॉपर एडजेक्टिव कैसे बनाते हैं? जैसे ब्रिटेन में रहने वाले जो लोग हैं उनको हम क्या बोलते हैं बेटा? ब्रिटिश। ऐसे हॉलैंड में रहने वाले को क्या बोलते हैं? डच। जर्मनी वालों को जर्मन, चाइना वालों को चाइनीज, स्विट्जरलैंड वालों को स्विस, इंडिया वालों को इंडियन, इसी तरह से बेटा ग्रीस वालों को ग्रीक बोलते हैं, इटली वालों को इटालियन बोलते हैं, नेपाल में रहने वालों को नेपालीज और इजराइल में रहने वालों को इजरायली बोलते हैं। तो इस तरह से बेटा जो प्रॉपर नाउन से एडजेक्टिव बनते हैं उनको हम बोलते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव्स। अगर हम बात करें फिफ्थ एडजेक्टिव की, तो वो है पजेसिव एडजेक्टिव्स। तो ऐसे एडजेक्टिव्स जो किसी संज्ञा से पहले आकर उस संज्ञा पर अपना अधिकार या मालिकाना हक प्रदर्शित करते हैं, या जो अपना हक है वो बताते हैं, उन्हें हम बेटा पजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। अब उनमें कौन कौन से एडजेक्टिव शामिल होते हैं? माई, और, योर, इट्स, हिज, हर और देयर। तो बेटा ये जो सभी है ना, ये सभी के सभी क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव्स। चलिए इनको एग्जाम्पल के थ्रू और अच्छी तरह समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट में लिखा हुआ है दिस इज माई बुक। तो बेटा देखो, बुक क्या है यहाँ पे? नाउन है। इस बुक से पहले बेटा हमने माई जो है वो एडजेक्टिव है, पजेसिव एडजेक्टिव है। और ये पजेसिव एडजेक्टिव क्यों है बेटा? क्योंकि ये जो बुक है ना वो अधिकार जमा के कह रहा है कि ये मेरी बुक है, इसलिए ये जो माई है वो पजेसिव एडजेक्टिव है। इसी तरह से यदि हम सेकंड एग्जांपल की तरफ देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है दीज आर योर शूज, कि भाई जो ये जूते हैं ना वो किसके हैं? आपके हैं। तो इन जूतों की विशेषता ये है कि जो जूते हैं वो आपके हैं, ना तो मेरे हैं ना उसके हैं, इसलिए बेटा ये जो योर है ये क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव्स हैं। और हाँ बेटा, इस चीज का भी आप ध्यान रखना कि पजेसिव नाम के प्रोनाउन भी हुआ करते हैं, उन प्रोनाउन को भी मैं बेटा आई बटन में डाल दूंगा, आप देख लेना अच्छी तरह से, आपको समझ में आ जाएगा कि जो पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव जो प्रोनाउन है उनमें क्या अंतर होता है और उनका कैसे प्रयोग किया जाता है। ठीक इसी तरह से यदि हम सिक्स्थ एडजेक्टिव की बात करें तो वो है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो ऐसे एडजेक्टिव जिनका प्रयोग दो या दो से अधिक संज्ञाओं में से प्रत्येक संज्ञा का बोध कराने के लिए या प्रत्येक संज्ञा के बारे में जानकारी देने के लिए किया जाता है, उन्हें हम बेटा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं, और इसको हिंदी में वितरणवाचक विशेषण कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में देखें तो यहाँ पर जो आने वाले ईच, आइदर, एवरी और नाइदर, ये जो चार एडजेक्टिव है इनको हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव को हम सेंटेंस में कैसे प्रयोग करते हैं, तो चलिए ये भी देख लेते हैं बेटा। फर्स्ट है ईच मैन इज वॉचिंग टीवी। तो बेटा देखो, वहां पर आदमी जो है बहुत सारे होंगे वो टीवी देख रहे होंगे, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति के बारे में अलग अलग बात करनी हो तो हमने यहाँ पर ईच का प्रयोग कर दिया है। इसी तरह से यदि हम सेकंड एग्जांपल की बात करें तो वो है ईच ऑफ अस इज ट्राइंग हिज बेस्ट। तो बेटा यहाँ पर देखिए, जो ईच का मैंने यहाँ पे प्रयोग किया है ना, ये वास्तव में डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव नहीं है, ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अभी कैसे पता चला? तो बेटा जब भी कोई एडजेक्टिव होगा ना, उसके जस्ट बाद में नाउन का प्रयोग होगा, लेकिन सेकंड सेंटेंस में जिस ईच का हमने प्रयोग किया है वो बेटा प्रोनाउन है। अब पहचाना कैसे? क्योंकि बेटा यदि प्रोनाउन होगा तो उसके बाद में ऑफ का यूज होगा, और ऑफ के बाद में बेटा हम यहाँ पर यूज करेंगे प्रोनाउन या नाउन का।
तो ध्यान रखिएगा ईच के जस्ट बाद में यदि नाउन का प्रयोग हो रहा है तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, लेकिन ईच के जस्ट बाद में हम नाउन का प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। यदि आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बारे में और जानकारी लेनी है तो बेटा मैं उसे भी आई बटन पर डाल दूंगा, आप वहां पर जाकर आसानी से समझ सकते हैं और आप बाद में ये भी डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होता है और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है। ठीक इसी तरह से यदि हम सेवंथ एडजेक्टिव की बात करें तो वो है बेटा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो ऐसे एडजेक्टिव जिनका प्रयोग संज्ञा की तरफ इशारा या संकेत करने के लिए किया जाता है उन्हें संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर दिस, दैट, दीज और दोज, ये जो चार मैंने यहाँ पर एडजेक्टिव यूज में लिए है ना, तो ये सारे एग्जाम्पल डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के हैं। चलिए इनको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है आई लाइक दिस पेन, तो बेटा देखो यहाँ पर पेन क्या है, नाउन है, और यहाँ पर जो दिस है वो है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब वो कैसे, क्योंकि बेटा वो जो पसंद कर रहा है ना जिस पेन को, वो पेन है ये वाला पेन, न कि वो वाला पेन। उम्मीद है बेटा इस सेंटेंस को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। सेकंड एग्जांपल है आई सॉ दोज बॉयज इन द मार्केट, तो बेटा सेंटेंस में कहने का मतलब ये है कि भाई मैंने जो है ना उन लड़कों को ही मार्केट में देखा था, न कि इन लड़कों को। तो बात समझ में आ गई होगी बेटा आपको कि जो दोज है ये इन लड़कों की विशेषता बता रहे हैं। ठीक इसी तरह से थर्ड एग्जांपल देखें तो वो है दिस इज अ मैन, तो बेटा यहाँ पर देखिए दिस का प्रयोग किया गया है जबकि फर्स्ट एग्जांपल में भी मैंने दिस का प्रयोग किया था, लेकिन बेटा यहाँ पर दिस के बाद में नाउन का प्रयोग नहीं हुआ है इसलिए बेटा ये क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। बेटा ध्यान रखना कि दिस, दैट, दीज और दोज ये सभी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के भी एग्जांपल है और यही एग्जांपल बेटा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के हैं। बस आपको ध्यान में रखने वाली बात यह है कि यदि इन चारों के बाद में किसी नाउन का प्रयोग हो रहा है तो ये जो चारों एग्जांपल है ना बेटा ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होंगे, लेकिन यदि इन चारों के बाद में हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब का प्रयोग किया जाता है तो आप ध्यान रखना बेटा ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होंगे। यदि आपको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में विस्तार से पढ़ना है तो बेटा मैंने वो वीडियो भी पहले से बना लिया है, आप मेरी जो प्लेलिस्ट बना रखी है बेटा मैंने और उसका नाम है कॉम्पिटिटिव इंग्लिश ग्रामर बाय प्रवीण सर, उस प्लेलिस्ट में जाकर बेटा जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है उसके बारे में अच्छी तरह से पढ़ सकते हो। अगर बेटा हम बात करें एट्थ टाइप की तो वो है बेटा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स, और ऐसे एडजेक्टिव्स जिनका प्रयोग केवल और केवल प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उनको हम बेटा प्रश्नवाचक विशेषण या फिर इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। बेटा ध्यान रखिएगा इंट्रोगेटिव नाम से एक प्रोनाउन भी होता है और यहाँ पर अपन पढ़ रहे हैं इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के बारे में, तो यहाँ पर बेटा जितने भी WH वर्ड है उन सभी को इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव नहीं कहते हैं। तो बात अब ये आती है बेटा कि हम किस प्रकार के WH वर्ड वाले जो शब्द हैं उनको इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहेंगे, तो बेटा वही बात है यहाँ पे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि WH वर्ड के बाद में यदि नाउन आए तो बेटा वो होता है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। अगर WH वर्ड के बाद में हेल्पिंग वर्ब आ रही है या मेन वर्ब का प्रयोग किया जा रहा है तो बेटा वो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव न होकर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको पता है केवल चार शब्दों को ही मैंने शामिल किया है जो कि इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के रूप में गिने जाते हैं, पर उसमें है बेटा विच, हुज, हाउ मच एंड हाउ मैनी। तो बेटा ये जो चार इंट्रोगेटिव शब्द है ना इनके बाद में ही हम नाउन का प्रयोग किया करते हैं। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट एग्जाम्पल में लिखा हुआ है विच इज योर फेवरेट मूवी, तो बेटा यहाँ पर जो विच का प्रयोग हुआ है ना वो वास्तव में इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव नहीं है अभी तो फिलहाल इस सेंटेंस में, क्योंकि यहाँ पर WH वर्ड के बाद में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हुआ है तो ये जो विच है वो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव न होकर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। यदि हम सेकेंड एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे लिखा विच हाउस डू यू लाइक मोस्ट, कि कौन सा मकान आप ज्यादा पसंद करते हैं, तो बेटा यहाँ पर देखिए विच के बाद में हमने हाउस का प्रयोग किया यानी कि ये नाउन है, तो यदि WH वर्ड के बाद में डायरेक्टली नाउन का प्रयोग हो रहा है तो हम कहेंगे कि जो ये WH वर्ड है वो क्या है बेटा, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। और हाँ बेटा यदि आपको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ना है तो क्या तो मैं यहाँ पर आई बटन पर उसे पेस्ट कर दूंगा, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं या फिर जो एंड स्क्रीन आती है वहां पर जाकर भी आप बेटा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ सकते हैं और उसके बाद में बेटा आपको अच्छी तरह पता चल जाएगा कि इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव क्या होता है और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है। यदि हम नाइन्थ एडजेक्टिव की बात करें तो वो है बेटा एम्फेटिक एडजेक्टिव, तो ऐसे एडजेक्टिव जिनका प्रयोग हम नाउन पर जोर या दबाव डालने के लिए करते हैं उन्हें हम दबाव सूचक विशेषण या एम्फेटिक एडजेक्टिव कहा करते हैं। और एम्फेटिक एडजेक्टिव में केवल दो ही एडजेक्टिव को शामिल किया गया है, उसमें फर्स्ट है बेटा ऑन और सेकंड है बेटा वेरी। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में लिखा हुआ है ही सॉ लायंस अटैक विद हिज ऑन आईज, कि उसने शेरों का जो हमला है अपनी खुद की आंखों से देखा था, तो मतलब यहाँ पर आइस क्या है बेटा, नाउन है और इस नाउन से पहले बेटा मैंने ऑन का यूज कर दिया है, तो कहने का मतलब ये है कि भैया जो लोइंस का जो अटैक हुआ था ना उसने अपनी आंखों से देखा था, मतलब वो दबाव देकर कह रहा है कि भैया मैंने जरूर वो जो लोइंस का अटैक था देखा था।
तो इस तरह से बेटा हमने इस वीडियो में जो टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव थे, 9 जो टाइप थे, हमने उनके बारे में पूरा डिस्कस कर लिया है। और उम्मीद करता हूँ बेटा एडजेक्टिव के जो 9 टाइप्स थे वो आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। यदि फिर भी कोई कंफ्यूजन है या कोई टॉपिक समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट करके अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आया तो बेटा लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर करना न भूलिए। यदि आप चाहते हैं इसी तरह के वीडियोज आपकी स्क्रीन पर सबसे पहले आए तो बेटा इसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जैसा कि आपको पता है जो मेरा चैनल है वो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम गुरुजी। एंड थैंक यू बेटा फॉर गिविंग योर प्रीसियस टाइम वॉचिंग दिस वीडियो।